आई क्या हमारा हो जाएगा सी पाई बाय एन ए बी। ठीक है, तो ये जो करंट जो आप मेजर कर सकते हैं ना, ठीक है, इसकी एक लिमिटेड वैल्यू होती है, अब इस बहुत ज्यादा करंट इसे मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, और ये करंट जो मेजर होती है ना ये बहुत छोटी होती है, मतलब हमारे जो फिजिक्स लैब में जो गैल्वेनोमीटर्स होते हैं ना, ठीक है, वो एक्चुअली जो जो हमारे फिजिक्स लैब में जो गैल्वेनोमीटर होते हैं ना वो वेस्टर्न टाइप होते हैं। ठीक है, तुमने जो पढ़ा था वो सस्पेंडेड टाइप था। ठीक है, दोनों की वर्किंग बिल्कुल से सेम होती है, लेकिन जो वेस्टर्न टाइप होते हैं ना वो हमारे स्कूल में जो होता है वेस्टर्न टाइप होते हैं वो काफी कॉम्पैक्ट होते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस हम आसानी से कैरी कर सकते हैं। हालांकि इसकी सेंसिटिविटी थोड़ी कम होती है, सेंसिटिविटी कम होती है मतलब ये हुआ कि हम जो हमारा जो सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर था, ठीक है, उससे हम ज्यादा छोटी करंट मेजर कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू द वेस्टर्न टाइप। तो कोई भी गैल्वेनोमीटर हो, ठीक है, उसकी लिमिटेशन क्या होती है कि वो लार्ज करंट मेजर नहीं कर सकता है, और जो हमारे को करंट मेजर करनी होती है, ठीक है, वो होती है 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर। तो और वो करंट को हम लोग किस तरह से फिट आते हैं, तो आपको क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ता है। वो मॉडिफिकेशन करके हमें क्या करना पड़ता है, गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना पड़ता है एक नई डिवाइस जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एमीटर। ठीक है, तो टू मेजर लार्ज करंट वी कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। हमको इसको चेंज करना होता है गैल्वेनोमीटर को एमीटर। ठीक है, अब यहां पर देखो कि किस तरह से इसका कन्वर्शन होता है, जरा देखो। और एक चीज यहाँ पे याद रखना कि एमीटर मेजर क्या करेगा, एमीटर मेजर करता है करंट। ठीक है, अच्छा, इसके बाद तुम अभी इसके बाद एक और डिवाइस सीखोगे, वोल्टमीटर। वोल्टमीटर क्या मेजर करेगा, एमीटर मेजर करेगा करंट, किससे बनता है, गैल्वेनोमीटर से बनता है। उसके बाद एक डिवाइस आएगा वोल्टमीटर, वोल्टमीटर क्या मेजर करता है, इट मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस, वो भी किससे बनेगा, वो भी गैल्वेनोमीटर से बनेगा। गैल्वेनोमीटर एक बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है जो कि दो डिफरेंट डिवाइस बनाने के काम में आती है, एक एमीटर और दूसरा वोल्टमीटर। ठीक है, अब चलो हम लोग आते हैं कि सबसे पहला टॉपिक हमारा होगा। ठीक है, ये हम दो अलग अलग स्टडी करते हैं, कन्वर्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। सर हमारा वेस्टर्न वाला बाकी था, वेस्टर्न में एक्चुअली जो है ना कुछ खास नहीं है, बिल्कुल उसका ही है, वो सस्पेंडेड टाइप ही है। ठीक है, खाली बस वो कॉम्पैक्ट होता है। उसमें देखो मैंने लास्ट में वीडियो में लिखवाया था कुछ वेस्टर्न टाइप का, उसका डिफरेंस लिखवाया था क्या मैंने? नो सर, उसी लिखवाया सर, नोट्स में है आपके। अच्छा, नोट्स में है क्या? यस सर, नोट्स में है डिफरेंसेस। ओके ओके, चलो कोई नहीं, अभी मैंने ये टॉपिक स्टार्ट कर दिया, ये टॉपिक मैं खत्म कर देता हूँ, फिर वो टॉपिक ले लूंगा। ठीक है, हालांकि उसपे वो बहुत लीस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो। ठीक है, हमारे एग्जाम में वही वाला आता है जो मैंने तुम लोग को करवाया था। ठीक है, और उसका खाली बस सेटअप पे थोड़ा स्प्रिंग स्प्रिंग लगा होता, बाकी कोई डिफरेंस नहीं। और वो उसके वजह से क्या, उसके वो खाली पॉइंट्स को याद कर जाना। ठीक है, ऐसा कुछ खास नहीं है उसमें, वो मैं तुमको इसकी बात करवा। कैसे कन्वर्ट करते गैल्वेनोमीटर को एमीटर में, कैसे कन्वर्ट करते गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में, और ये टॉपिक जो है हमारे प्रैक्टिकल्स में भी बहुत इंपॉर्टेंस कैरी करता है। और एक बात मैं तुमको और बता देता हूँ, ठीक है, ये चीज तुम अगर ध्यान में रखते हो ना, ठीक है, उसके हिसाब से पढ़ाई करोगे ना, तुमको अपने एंट्रेंस में बहुत फायदा होगा। याद रखना एक चीज कि तुम्हारे आईआईटी के सिलेबस पे, ठीक है, जो 20% जो सवाल आते हैं ना, ठीक है, वो तुम्हारे प्रैक्टिकल बेस्ड हो। तुम जब अपने पढ़ाई की स्ट्रेटेजी बनाओगे ना, तो तुमको ये चीज का ध्यान रखना होगा वहां पे। जैसे कि मैं तुमको बताता हूँ, थोड़ा सा अभी टॉपिक से हट रहा हूँ, ठीक है, लेकिन काफी काम की चीज है।
जैसे प्रैक्टिकल में क्या होता है वर्नियर कैलिपर स्क्रू गॉज, ठीक है, इससे सवाल जो है ना देखा जा रहा है आईआईटी में हर साल आया, ठीक है, तुम्हारा मीटर ब्रिज, ठीक है, कम से कम एकदम मैं बताऊ करेंट इलेक्ट्रिसिटी में मीटर ब्रिज जो है मुश्किल से एक या डेढ़ पेज का टॉपिक, और इससे लगभग आईआईटी में 8 से 10 बार सवाल आ चुका होगा। तीसरा पोटेंशियोमीटर प्रैक्टिकल बेस्ड टॉपिक है, सवाल आते हैं, ठीक है, एमीटर वोल्टमीटर प्रैक्टिकल बेस्ड, ठीक है, गैल्वेनोमीटर प्रैक्टिकल बेस्ड है, सवाल आएंगे आईटी में। रेजोनेंस वाला तुमने पढ़ा होगा क्लास 11th में, ठीक है, रेजोनेंस ट्यूब, ठीक है, उससे सवाल आते हैं आईटी में, ठीक है। तो ये जितने भी प्रैक्टिकल बेस्ड टॉपिक है ना इसको तुम जरूर से करना, क्योंकि याद रखना तुम चाहे नीट की तैयारी करो चाहे तुम आईआईटी की तैयारी करो, ठीक है। कितनी बार ऐसा होता है ना कि तुम लोग को मतलब बच्चों को बताया नहीं जाता है कि टॉपिक क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। कैसे, तुमने क्लास 11th में पढ़ा था लॉज ऑफ पोजीशन, ठीक है। अब लॉज ऑफ पोजीशन में क्या था, एक टॉपिक था कंस्ट्रेंट इक्वेशन, ठीक है, लगभग वो टॉपिक जो है ना 4 घंटे या 5 घंटे का था, मैं खुद 4 या 5 घंटे पढ़ाता उस टॉपिक। लेकिन क्या इससे आईआईटी में 10-15 साल में कभी सवाल नहीं पूछा। ये क्यों पढ़ाया जाता है, क्योंकि इसके बिना तो आगे के चैप्टर्स नहीं आए। लेकिन कुछ सवाल कुछ टॉपिक ऐसे रहा जो एकदम आईआईटी में गारंटेड जिससे क्वेश्चन आते ही आते, मतलब तुम समझ लो 5 क्वेश्चन अपने या डेट में तुम अपने 5 से 6 क्वेश्चन तुम समझ लो मुश्किल से 8 या 10 घंटे की पढ़ाई करके तुम निकाल सकते हो। 5 क्वेश्चन आईआईटी में निकालना खाली 10 घंटे की पढ़ाई करके बड़ी बात होती है। इसलिए ये टॉपिक को तुमको अच्छे से तैयार करना। मैं क्यों बता रहा हूँ कि हमारा ये जो टॉपिक है ये ज्यादा प्रैक्टिकल बेस्ड है, इसलिए इसकी एंट्रेंस में आने की चांस काफी ज्यादा, और ये टॉपिक की भी एंट्रेंस में आने की चांस काफी ज्यादा, ठीक है। तो जब पढ़ो ना तो जो भी तुमको लगता है ना कि कुछ प्रैक्टिकल भी आता है प्रैक्टिकल बेस्ड टॉपिक है, ठीक है, तो उन टॉपिक को जो है ना ज्यादा फोकस के साथ पढ़ो ताकि मार्क्स वहां पर लोग इजिली गेन कर सकते। अब देखो अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं कन्वर्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू एमीटर। यहाँ पर देखो एक ऐसे हमारे पास एक रेजिस्टर है, ये 5 ओम का है और ये 10 वोल्ट का है। हमसे पूछा गया कि बताओ सर्किट में करंट कितना होगा, तो हमने बोल दिया 10 वोल्ट है यहाँ पे पास है तो 2 एम्पियर हो जाएगा। अब हमसे बोला गया कि आपको क्या करता है, हमसे बोला कि इस करंट को नापो, तो करंट को ऐसे थोड़ी ना हाथ लगा के करंट को नाप लेंगे। करेंट नापने के लिए हमें कोई करेंट नापने के लिए हमें कोई डिवाइस चाहिए, तो करेंट नापने के लिए हमने क्या किया, एक डिवाइस लगाया जिसको हम कहते हैं एमीटर। और यहां पे हमने क्या किया, यहां पे ये 10 वोल्ट का हमने सेल लगा दिया, ठीक है, ये 5 ओम का ये भी 5 ओम का, ठीक है, और अब यहां से जब हमने करंट नापा तो हम यहाँ पे करंट नापने पे जब एमीटर लगाते हैं इसका रेजिस्टेंस 5 होगा, करंट यहां से आ जाएगा 10/10 दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है, करंट इतना आ गया। हमने एमीटर लगाया लेकिन करंट नापने के लिए, लेकिन हमारा नुकसान हो गया, क्यों, जहां हमारे सर्किट में 2 एम्पियर करंट था अभी वो करंट घट के 1 एम्पियर हो गया, जिससे कि हमारा ये जो रेजिस्टर है जो कि बल्ब हो सकता है कुछ भी हो सकता है वो डिम ग्लो करेगा। तो क्या ये एमीटर अच्छा है, तो आंसर इज नो, क्योंकि अगर हम हमको करंट को नापना है तो हम चाहते हैं जिस चीज को हम यूज करते हैं नापने के लिए वो हमारी उस चीज को डिस्टर्ब ना करे, यहाँ पे करंट को डिस्टर्ब नहीं करना, ठीक है, नहीं तो फिर तो हमारा नुकसान हो जाएगा। ये तो वही कहानी हो गई, वो एक पड़ी होगी बचपन में, 2 बिल्ली होती है और बंदर होता है, तो दोनों बिल्ली में झगड़ा होता है कि रोटी नाप नहीं पा रहे, तो बंदर क्या करता है सारी रोटी खा जाता है, ठीक है, और उनको कुछ नहीं मिलता है। यहाँ भी ऐसी कुछ कहानी है, ठीक है, नापना करंट है अपने को, यूज कर लेंगे अगर एमीटर हम लोग, ठीक है, सारी करंट तो एमीटर खा जाएगा क्योंकि करंट यहाँ पे कम हो जाएगी। तो ये जो है ना डिवाइस अच्छी नहीं। अब एक बात दिमाग में आई कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि हमारे करंट हमारा एमीटर करंट नाप भी ले और हमारे सर्किट में यहाँ पे करंट कम भी ना हो। तो बोला गया इसके लिए क्या बोला गया कि एक बात सोची गई कि एमीटर शुड हैव
लो रेजिस्टेंस, क्योंकि अगर लो रेजिस्टेंस होगा ठीक है, सोचो ना अगर इसका रेजिस्टेंस अगर हो जाता 0.5 ठीक है, तो करंट कितनी होती यहाँ पे 10/5.5, ये आ जाती कुछ करके निकाल के देखोगे ये आ जाएगी कुछ कितनी आएगी 1.8 एम्पीयर के आसपास आएगी। तो ऑब्वियस ही बात है देखो ये इससे बेटर हुआ ना, क्योंकि यहाँ पे एक दे रहा था, एग्जैक्ट वैल्यू 2 थी दिख रहा है। अब ये अगर लेस रेजिस्टेंस है तो आपको ज्यादा एक्यूरेट आंसर मिल रहा है, 2 की ज्यादा नजदीक आंसर मिल रहा है। तो अगर हम इसको जितना छोटा कर देना रेजिस्टेंस को, हमारे सर्किट में जो करंट हमको मिलेगी ना ठीक है, उतनी उस करंट में फर्क कम आएगा ठीक है। तो हम चाहते हैं क्या, एमीटर का रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए, इट शुड हैव लो रेजिस्टेंस, एमीटर शुड हैव लो रेजिस्टेंस। So that it does not decrease actual current. अब ये पूछा जाएगा ना कि जो बेस्ट एमीटर होते हैं ठीक है, देखो हम अधिकतर क्या होता है कि कुछ भी चीज अगर हम जैसे फिजिक्स में पढ़ते हैं तो हम चाहते हैं कि वो उसको परफेक्ट हो ठीक है, क्योंकि परफेक्ट होती तो कोई चीज नहीं है, लेकिन परफेक्ट हम इसलिए कभी कभी अज्यूम करते हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन कैसा हो जाए, आसान हो जाए। तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, आइडियल एमीटर जो बेस्ट एमीटर हो गए, आइडियल करके कोई चीज होती रही है मानी जाती ताकि हमारा कैलकुलेशन कैसा हो जाए आसान, आइडियल एमीटर शुड हैव या हैव जीरो रेजिस्टेंस ठीक है। अब ये बनाया कैसे जाएगा, हम क्या टेक्निक यूज करके बना सकते हैं ऐसे एमिटर जो कि हमारे करंट को डिस्टर्ब ना करें। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं गैल्वेनोमीटर। ये हमने लिया गैल्वेनोमीटर ऐसा, और क्या किया हमने इसके अक्रॉस लगा दिया एक लो रेजिस्टेंस ठीक है। इस लो रेजिस्टेंस को हम लोग कहते हैं शंट, और ये हमारा क्या तैयार हो गया, ये हमारा तैयार हो गया गैल्वेनोमीटर ठीक है। देखो अगर यहाँ पे गैल्वेनोमीटर के क्रॉस अगर गैल्वेनोमीटर के क्रॉस हमने लगा दिया एक लो रेजिस्टेंस, इस लो रेजिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, शंट बोलते हैं। एक्चुअली अगर तुम डिक्शनरी का मीनिंग सुनो बोझो करा शर्ट का, तो इसका मतलब होता है शॉर्टकट, क्योंकि ये शर्ट जो होता है बहुत लो रेजिस्टेंस होता है। शर्ट कैसा होता है, लो रेजिस्टेंस। तो इसलिए क्या करता है ये करंट को, जो भी करंट आएगी मेजर करंट को अपने आप से पास करवा देगा ठीक है। थोड़ा सा करंट कहां से जाएगा, गैल्वेनोमीटर। अब अगर हमने ऐसा कुछ सेटअप किया ना अगर, तो ऑब्वियस ही बात है कि जो ओवरऑल रेजिस्टेंस होगा ना वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका शंट मेक्स ओवरऑल रेजिस्टेंस लेस, और हम चाहते भी है कि ये पूरा सेटअप जो आप देख रहे हैं ना, ये पूरा सेटअप के ये एमिटर है, और एमिटर का रेजिस्टेंस कैसे कम हो सकता है, बाय लोअरिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द शंट ठीक है। क्योंकि तुमने देखो पढ़ के रखा होगा, अगर हमने इसको पैरेलल में लगा दिया, अगर हमने इसको जो गैल्वेनोमीटर होता है ना उसका रेजिस्टेंस होता है कुछ लगभग 80 से लेकर 100 के बीच में होता है ठीक है, जो भी हमारे लैब में होता है। और अगर हमने यहाँ पे बहुत लो रेजिस्टेंस लगा दिया तो इसका ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या होगा, काफी कम हो जाएगा। बिकॉज याद करो इसका ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1/A = 2 या 1/R = 1/S + 1/G ठीक है। ये हो जाएगा एमीटर का रेजिस्टेंस। और एक चीज याद रखना, पढ़ के भी रखा होगा तुम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट में, मान लो को दो रेजिस्टेंस है, 1 ओम है और 10 ओम ठीक है। जब इसको हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या था, 1/1+1/10। और एक बात याद रखना, जब भी हम किसी दो रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं
तो जो उसका टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा पैरेलल में, वो सबसे छोटे रेजिस्टर से भी कम होता है उसका रेजिस्टेंस। मतलब अगर मान लो मैंने एक ओवर 10 ओम लिया ना अगर, तो इसको इसको तुम निकाल के भी देख सकते हो, तो आंसर जो 1 से छोटा है, ठीक है, आंसर कैसा होगा इसका, जो होगा आंसर जो इसका 1 से छोटा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, अगर हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस ले लिया, एस ले लिया हमने मान लो अगर 0.1 और जी है अगर 100 हो, तो हमारा जो एमीटर होगा, ठीक है, इसको अगर 0.1 लिया, ये 100 लिया है, तो हमारा जो आंसर है 0.1 से भी छोटा हो जाएगा। अगर हमारा रेजिस्टेंस बहुत छोटा हो जाएगा, तो एक बात तो पक्की है कि अगर यहाँ रेजिस्टेंस छोटा हो जाता तो हमारा करेंट इतना डिस्टर्ब नहीं होता, ठीक है। तो सबसे पहली बात, हम शंट को क्यों कनेक्ट करते हैं गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस, क्योंकि शंट क्या करता है, शंट का लोड रेजिस्टेंस होता है, जिससे कि ओवरऑल रेजिस्टेंस कैसा हो जाता है, लेस, ठीक है, लेस ऑफ एमीटर, एमीटर का रेजिस्टेंस कम होना भी चाहिए, ठीक है। तो शंट का पहला यूज होता है, ये फॉर्मूला पे फिर से लिखो। अब देखो शंट से दूसरा फायदा क्या होता है, शंट से देखो, अब यहाँ पे क्या होता है, जो गैल्वेनोमीटर तुमने पढ़े ना, ठीक है, उसका वो जो है ना, उसको बनाने के लिए, गैल्वेनोमीटर को बनाने के लिए जो वो जो पूरा जो सेटअप होता है उसका, वो बहुत लो करेंट का होता है, ठीक है। क्योंकि जो जो तुम पढ़ो ना गैल्वेनोमीटर, उस पर यूज होती है कॉपर वायर, ठीक है। अगर कॉपर वायर होती है, अगर अब अगर उस पर ज्यादा करेंट भेजेंगे ना, तो आपको थिक वायर चाहिए। देखा एसी की वायर थिक होती है, अगर हमने उसको थिक वायर लिया ना वहां पे, तो उसका प्रॉब्लम क्या आएगा कि वो घूमेगा ही नहीं, उसकी सेंसिटिविटी कम हो जाएगी, हर तरफ कहीं ना कहीं फंस जाते हैं, ठीक है। तो अगर हमने उस पर हाई करेंट वाला चाहिए, तो मोटी तार चाहिए, मोटी तार से क्या भारी हो जाएगा, घूमेगा नहीं, तो हम क्या करते हैं, उसको हम छोटे करेंट के लिए ही बना सकते हैं, ठीक है। अब गैल्वेनोमीटर जो है वो छोटे करेंट के लिए बना हुआ है, हमको एमीटर से नापना पड़ेगा बड़ा करेंट, ठीक है। तो बड़ा करंट अगर नापते हैं, तो उसके लिए क्या किया जाता है, यहां से हमने भेजा मान लो करंट आई, ठीक है। अब ये करंट अगर यहां से आई जाएगा, तो यहां से कितना करंट चला जाएगा, यहां से आईजी चला जाएगा, ठीक है, और यहां से जाएगा आई माइनस आईजी। अब मैं तुम्हें सिखा रहा हूं शंट का दूसरा यूज, एक यूज तो क्या है, ओवरऑल रेजिस्टेंस कम करता है, और जरूरी भी था, मैंने तुमको पीछे वाला एक छोटा सा क्वेश्चन से भी बताया था। अब देखो, अब करंट हमको चाहिए, करंट बढ़ी जा रही है, बड़ी करंट अगर गैल्वेनोमीटर में घुस जाती है, तो पहली बात तो उसका जो पॉइंटर है, ठीक है, वो मेजर कर ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि तो वो तो लिमिटेड करंट के लिए मार्किंग की जाती है उसकी, ठीक है, वो माइक्रो एम्पियर के लिए होता है। हमने करंट यहाँ भेज दिया अगर मान लो मिली एम्पियर, मिली एम्पियर मतलब 1000 गुना बड़ा होता है, तो कहाँ से तुम नाप सकते हो जब स्केल ही नहीं, ठीक है। तो हायाबुसा का इंजन लगा दोगे अगर एक्टिवा में, और अगर चल भी जाए, क्योंकि तो वो थोड़ी एक्टिवा का जो मीटर है वो उसकी स्पीड को मेजर कर सकता है, क्योंकि उस भाव में 120 रखी है वो, तो इधर सेम में यहाँ भी वही कहानी है। अच्छा, अगर मान लो दूसरी बात क्या होती है, कि अगर हमने इतना बड़ा करंट को भेज दिया गैल्वेनोमीटर से, उसकी तारें कैसी होती है, बहुत पतली होती है, करंट ज्यादा आ रहा है, तार पतली है, तार पूरी गर्म हो जाएगी, ठीक है, कॉइल पूरा का पूरा जल जाएगा, ठीक है, वो छोटी करंट आपने लाइक भी नहीं रहेगा। तो इसलिए आप बड़ी करंट को डायरेक्टली नहीं भेज सकते गैल्वेनोमीटर, अगर भेजा आपने आई करंट डायरेक्टली, ये जल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हमने यहाँ से आई करंट जो भेजा, हमने यहाँ से लगा दिया एक शंट, ठीक है। अब ये शंट क्या करता है, ये शंट जो है करंट को डिवाइड कर देता है, ठीक है, कैसे, देखो आई गया, यहाँ से आई जी जाएगा, यहाँ से आई माइनस आई जी जाएगा, करंट को डिवाइड कर दिया। अब ये हमने ऐसा लगा के रखा है शंट, ठीक है, लो रेजिस्टेंस है, ठीक है, लो रेजिस्टेंस वाला क्या करता है, देखो अगर मान लो सीधी सी बात है, तुमको कहीं जाना, कहीं भीड़ है, ठीक है, तो तुम अगर भीड़ वाले रास्ते से जाना पसंद करोगे कि जहाँ भीड़ कम होगी, तो करंट जब जाता है ना, तो करंट ये देखता है कि अच्छा यहाँ पे लो रेजिस्टेंस है, तो करंट अगर हमने 100 भेजा है, तो अगर ये बहुत छोटा है, तो 99 करंट यहाँ से पास करेगा लो रेजिस्टेंस, और एक करंट पास करता है हाई रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे लो रेजिस्टेंस हो, तो मेजर करंट कहाँ से पास करेगा, यहाँ से करेगा, और बैक और माइनर करंट यहाँ से जाएगा जो आई जी, और हम इसको हम अभी पढ़ेंगे मैथमेटिकली, हम इसको ऐसा बनाते हैं ना, ठीक है, कि हम इसको बहुत छोटा लेके ताकि मैक्सिमम करंट इससे पास करें। अब यहाँ पे हम अगर देख रहे ध्यान से अगर इस इक्वेशन को, तो ये ए और बी,
कि अगर मैं बात करूं तो ये दोनों किसके हैं, पैरेलल में। तो हम क्या ले सकते हैं कि फ्रॉम फिगर, इसको लिख देता हूं पहले, सेकंड यूज, सेकंड पॉइंट, शर्ट अलाउज मैक्सिमम करंट टू पास थ्रू डिस्ट्रीब्यूट फ्रॉम द गैल्वेनोमीटर इसका दूसरा यूज होगा। तीसरा यूज इसका मैं लिख देता हूं, अभी डिस्कस बाद में करेंगे, ठीक है। शर्ट इज यूज टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर रेंज। मतलब अगर आपको चाहिए गैल्वेनोमीटर हमारा है, इसको चेंज करो एमीटर ऑफ 2 एम्पियर, 4 एम्पियर, 6 एम्पियर, अलग-अलग आपको रेंज चाहिए। अब उसके अकॉर्डिंग शर्ट की वैल्यू को वैसा एडजस्ट कर लेते हैं ताकि हम इसको अलग-अलग में कन्वर्ट कर सकें, ठीक है। ये अभी जैसे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो थर्ड पॉइंट हमारा ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये तीनों समझ में आ गए। अब यहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशन की बात करते हैं, भाई कैसे क्या क्या एस की वैल्यू होनी चाहिए वो सब देख लेते हैं। तो पहले तो शर्ट की वैल्यू हो, शर्ट का यूज समझ में आ गया। अब अगर मैं यहां पे ध्यान से देखो ना, तो आई माइनस आई जी फिगर आई माइनस आई जी इंटू एस इक्वल्स टू आई जी इंटू जी। देखो ये दोनों पैरेलल में हो गए ना, मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, यहां पे लिख सकता हूं आई इक्वल्स टू आई इंटू एस इक्वल्स टू आई जी जी प्लस आई क्या हो जाएगा, आई जी जी प्लस एस बाय एस। इसको मैं लिख सकता हूं वन प्लस जी बाय एस, ठीक है, ठीक है। ये हमारा हो गया एक्सप्रेशन। अब देखो यहां पर ये जो मैंने लिखा है ना, इससे आपको फायदा क्या हुआ, हम यहां पे अगर सर ये इक्वल कैसे है आई माइनस आई जी इंटू एस इक्वल टू आई जी जी ए। और देखो यहाँ ये गैल्वेनोमीटर का कनेक्टेड है और ये शंट कनेक्टेड है, दोनों पैरेलल में नहीं दिखा, देखो यस सर, है ना। तो पैरेलल में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, देखो तो पोटेंशियल डिफरेंस था वी इक्वल टू आई आर था, यस, ठीक है। यहाँ लिख देना फ्रॉम फिगर एस एंड जी आर इन पैरेलल, देयरफॉर पीडी अक्रॉस देम इज सेम। समझ आ गया, अब यहां पर देखो इस फॉर्मूले से तुमने क्या समझा कि अगर मान लो हमारे को पता है आईजी, ठीक है, आईजी मतलब हमको पता है कि हमारे पास जो गैल्वेनोमीटर है वो कितनी मैक्सिमम करंट को माप सकता है, ठीक है। वो तुमने अभी देखा था कि करंट एन आई ए बी इक्वल टू सी फाई होता है, आई हो जाता है सी फाई बाय एन ए बी, ठीक है। तो तुमने पढ़ा था सी पता है एक गैल्वेनोमीटर का जो स्ट्रिप होता है, ठीक है, वो
वो कितना डिग्री घूम सकता है मैक्सिमम, ठीक है, वो हमको पता रहेगा। 30 डिग्री हो सकता है, 20 डिग्री हो सकता है, कितना घूम सकता है वो डिपेंड करता है कि हमारा मटेरियल कैसा है, सेटअप कैसा है। उसको हम चेंज कर देंगे रेडियन में, सी हमको पता रहेगा मैक्स कितना मैक्सिमम एंगल घूम सकता है, वो उतना मैक्सिमम करंट नाप सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, आईजी को निकाल लेंगे, जो हमने जो तुमको मैंने वीडियो भेजी थी उसके हेल्प से, वो आईजी को मैंने, वो आईजी मुझे पता रहेगा, ठीक है। अब मान लो कि मुझे कन्वर्ट करना है ये जो पार्ट है ना, ये तो मैं निकाल सकता हूँ, और ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट बन जाता है कन्वर्शन फैक्टर। कन्वर्शन फैक्टर का मतलब हो गया कि मान लो कि मेरे को, हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है जिसको मैक्सिमम करंट नाप सकते हो 0.01 एम्पीयर, इससे बड़ी करंट अगर तुमने पास करवाई तो वो हमारा डैमेज हो जाएगा, नहीं नाप सकते। अब मान लो मेरे को बोला गया है कि एक ऐसा एमीटर बनाना है हमको जो कि करंट नाप सकता है 1 एम्पीयर, मतलब ये हुआ कि ये आई की वैल्यू कितनी होगी 1, आई जी मेरा कितना है जो फॉर्मूले से निकलेगा एनएबी वाला 0.001। अच्छा, मुझे पता है कि गैल्वेनोमीटर जो है मेरा, उसका रेजिस्टेंस क्या है, उसका रेजिस्टेंस मुझे पता है 100 ओम, ठीक है। ये जो कंपनी बनाती है ना, ठीक है, गैल्वेनोमीटर, उसको पता होता है, वहां पे लिखा रहता है, क्योंकि कंपनी जो कॉपर जो सेट करेगी अंदर में, जो बनाएगी कॉपर वायर जो लपेटेगी, तो वो तो लेंथ सब पता ही होता है, ठीक है, वो तो पता चल जाएगा आपको बाय एस। अब हमको कितना शंट लगाना है ताकि हम इसको बना सकें, ठीक है, ये शंट हम कितना लगाए ताकि हम लोग इस छोटे से इतने करेंट वाले को हम क्या करेंगे एक बड़े एमीटर में कन्वर्ट करें। तो हमें शंट क्या लगाना होगा, तो हम शंट यहाँ पे लगाएंगे 1/, ये कितना हो जाएगा 1000, ठीक है, है ना, इक्वल्स टू 1+100/, ये कितना हो जाएगा 999, इक्वल्स टू 100/, एस कितना हो जाएगा 100/999, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 0.1 ओम। मतलब मुझे यहाँ पे 0.1 ओम का रेजिस्टेंस लगाना होगा ताकि मैं यहाँ से अगर 1 एम्पीयर करंट पास करवाऊ तो इसमें से इतना पास करेगा। अब समझ आ जाए, अगर मैंने यहाँ पे होता क्या, देखो अगर मान लो मैंने यहाँ पे शर्ट लगा दिया, ठीक है, मेरे को इसको इतने एम्पियर वाले को, गैल्वेनोमीटर वाले को मेरे को कन्वर्ट करना है एमीटर में इतने रेंज वाले, तो मुझे क्या करना है यहाँ पे एक शर्ट लगा देना, ठीक है, 0.1 ओम, ठीक है। अब कंपनी करती क्या, समझ आ गया, कंपनी क्या चालाकी करती है, कंपनी क्या करेगी, जैसे यहाँ पे गैल्वेनोमीटर है ना, तो ये कंपनी क्या करेगी, यहाँ पे ऐसे करके, तो यहाँ पे अब एक कंपनी ने क्या किया, एक एमीटर बनाया, ठीक है, गैल्वेनोमीटर की हेल्प से यहाँ पे ये लगा दे 0.1, और इस गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस था, जो मैक्सिमम करंट था, वो कितना मेजर करा था 0.001 एम्पीयर, ठीक है, और यहाँ पे कितना था 0 था, ठीक है, यहाँ पे मान लो ऐसा जाता है यहाँ से 0, ठीक है, यहां से भी ले सकते, कहीं से भी ले सकते, ऊपर अब जहां पे ये गैल्वेनोमीटर का 0.001 लिखा है, जब कंपनी ने यहाँ पे शंट लगाया ना, तो कंपनी यहाँ पे 0.001 नहीं लिखी, कंपनी यहाँ पे क्या लिखती है, कंपनी यहाँ पे लिखती है 1 एम्पीयर, क्यों, क्योंकि उसको पता है कि अगर यहाँ पे गैल्वेनोमीटर नाप रहा है इतना करंट, तो कितना करंट सर्किट से आ रहा है, तो आंसर 1 एम्पीयर। तुम जब पढ़ोगे ना गैल्वेनोमीटर को, तो कंपनी ने पहले सब कुछ मॉडिफाई कर दिया कि उसने ये वाली वैल्यू के बदले क्या रख दिया है 1 एम्पीयर, तो तुम्हारे लिए रीड करना आसान हो गया ना, तुम उसको इजीली इंटरप्रेट कर सकते हो। अब अगर मान लो कहीं पे अगर आता है बीच पे, कहीं पे अगर आता है 0.005 एम्पीयर, तो अब क्या कंपनी ने कितने का शर्ट लगाया एस का, कंपनी यहां से क्या करेगी, कंपनी यहां से आईजी कंपनी को पता है,
कंपनी ने यहाँ पे एस पता है उसने कितने का लगाया है, इतने का। अब उसने क्या किया, आई निकाल लिया। जब आई जी कितना होगा, 0.005 कर दिया। अब उसने जो आई निकाला ना, उसने वो यहाँ पे वो आई की वैल्यू कर दिया, ना कि ये रखा। उसको पता है कि करंट इतनी जा रही है, लेकिन वो लेवल अलग ही वैल्यू करता है जो यहाँ से निकलती है। उसको पता है इतनी करंट जा रही है, लेकिन वो लेवल यहाँ से निकाल के करता है कि 1 एम्पियर जा रही है, ठीक है, ताकि जब कोई उसको यूज करे उसको इंटरप्रेट करने में कोई दिक्कत नहीं। ये पता है, जैसे कि एग्जाम्पल ले लो, तुम एक्टिवा है, ठीक है, तो हम एक्टिवा में क्या देखते हैं कि गाड़ी की स्पीड कितनी है, लेकिन एक्चुअली अगर वो जो कंपनी जो बनाती है एक्टिवा का जो स्पीडोमीटर होता है, वो तो बेस्ड होता है व्हील्स के नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड, और वो कुछ ऐसा बनाती है ना कि वो डेटा ऐसा इंटरप्रेट करके आए कैलकुलेशन करके कि आपको डायरेक्टली स्पीड दी। मेरी बात समझ में आई कि नहीं, बोलो हाँ यार। सबको फॉर्मूला क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस ठीक है, और ये पूरा का पूरा कंसेप्ट सबको आ गया ना, क्योंकि तुमको ये दिमाग में बैठना चाहिए हो क्या रहा है, एमीटर कैसे बनता है गैल्वेनोमीटर, ठीक है, और क्या वहां पे हम मॉडिफिकेशंस करते हैं, ठीक है। किसी को कोई भी डाउट हो तो इसमें पूछ लो, बिकॉज ये वाला टॉपिक एमीटर और वोल्टमीटर और गैल्वेनोमीटर, ये तीनों सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। गैल्वेनोमीटर तो पता नहीं हर दो साल या 3 साल में पूछा ही जाता है बोर्ड में, और इसके भी क्यूबिकल बहुत कॉमनली आते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, और इस पे सवाल बहुत आसान आते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज कन्वर्शन फैक्टर। क्लास खत्म हो जाएगी तो कुछ ज्वाइन कर देना, उसके बाद अभी बने थी और बताई थी इस पे, और क्या बताया था मैंने कि 1/RA रेजिस्टेंस ऑफ एमिटर इक्वल्स टू 1/G प्लस 1/S, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था कि हमारा जो ओवरऑल रेजिस्टेंस होगा कैसा होना चाहिए, बहुत ही कम होना चाहिए, तो मैं लिख सकता हूँ RA इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, GS/G+S, ठीक है। अब इफ S की वैल्यू कैसी नहीं चाहिए, S शुड बी स्मॉल, ठीक है, तो अगर S स्मॉल होगा सो दैट आर इज लेस। स्टंट तो देख रहे दो काम कर रहा है, एक तो वो क्या कर रहा है गैल्वेनोमीटर को डैमेज होने से भी बचाता है, और दूसरी बात क्या करता है, वो ओवरऑल सर्किट के रेजिस्टेंस को भी कम कर देता है, ठीक है, दैट आर इज लेस, ठीक है। तो कभी कभी एग्जाम में सवाल आता है कि जो हम लोग यहाँ पे जो यूज करते हैं शंट को क्यों यूज करते हैं, ठीक है, इसके 3 कारण है, ठीक है। अच्छा एक चीज देखो, मैंने तुमको एक बात बताई थी अभी कि शंट का एक और यूज होता है कि हम उस पर अलग अलग रेंज बना सकते हैं। तुम देखो अगर यहाँ पे ये कन्वर्शन फैक्टर है, आईजी किसी भी गैल्वेनोमीटर का फिक्स हो, ठीक है, एक बन गया गैल्वेनोमीटर उसका आईजी फिक्स है, लेकिन अब ये कन्वर्शन फैक्टर को तो चेंज कर सकते हैं, जी भी फिक्स है, लेकिन अगर आपने एस को बदल दिया, अगर आपने एस को छोटा किया तो आई क्या होगा, बड़ा होगा, आपने एस को और छोटा किया आई और ज्यादा बड़ा होगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग एस की वैल्यू को यूज करके डिफरेंट रेंज ऑफ गैल्वेनोमीटर को हम लोग फॉर्म कर सकते, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट मैंने बताया था वो भी यहां से क्लियर हो गया। उसके बाद देखो आगे नेक्स्ट एरर, एक काम करो ना, मैं क्लास एंड कर रहा हूँ, फिर से ज्वाइन कर लो ना।